पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना कर्फ्यू की वजह से सरकार के कई कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन ग्रामीण विकास कार्यों को बंद नहीं किया गया है, बल्कि विकास के काम यथावत जारी हैं। सरकार ने मुख्यमंत्री एक बीघा योजना व पंचवटी नामक योजनाओं को लागू किया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल की पंचायतों को विकास का मॉडल बनाने के दृष्टि से कदम बढ़ते जा रहे हैं और अब एक पंचायत एक साल और पांच काम योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत में 5 लाख रुपए से अधिक बजट के कोई ऐसे 5 बड़े विकास कार्य कन्वर्जेशन मॉडल तैयार करने होंगे जो संबंधित पंचायत व उस गांव की प्राथमिकता होगी। यदि एक पंचायत 5 साल के कार्यकाल में प्राथमिकता वाले 25 विकास कार्यों को करवाती है तो विकास की दृष्टि से पंचायत आत्मनिर्भर बनेगी। उन्होंने बताया कि खास बात यह है कि 50% विकास के कार्य पेयजल और जल संरक्षण पर आधारित होंगे, जो कि मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 साल की अवधि में ऐसे 25 बड़े विकास कार्य होंगे तो उस पंचायत की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। अभी लॉकडाउन चला है, लेकिन लॉकडाउन में भी हमने काम जो है वो बंद नहीं किया और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमने नई योजनाएं, मुख्यमंत्री एक बीघा योजना, पंचवटी योजना, और अब हमने कहा है कि एक एक पंचायत के अंदर 1 साल 5 काम, ये ऐसे बड़े 5 काम जो 5 लाख से ऊपर की राशि को जो गांव की प्राथमिकता हो, उस पंचायत की प्राथमिकता हो, हम उनको करेंगे कन्वर्जेंस मॉडल के ऊपर जो है वो उन कामों को करेंगे। अगर एक पंचायत 5 साल में 25 काम करती है तो मैं ये समझता हूँ कि एक आधारभूत ढांचा जो है वो गांव के अंदर जो है वो खड़ा होगा और उसमें 50% जो काम हैं वो हम पीने के पानी के ऊपर और जल संरक्षण के ऊपर जो है वो करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता।